I will do what will want. टेंडर पास हुआ 3 करोड़ का, फोन किया, हाँ ये मेरे नाम से कर देना. Who are you भाई? कलेक्टर इज माई बिगेस्ट फ्रेंड. हराम हो या हलाल पास कर दिया जाता. एसपी मेरा भाई है, सीएम मेरा अंकल है, प्राइम मिनिस्टर मेरा बाप दादा है, राष्ट्रपति मेरा चाचा है. मैयत की बुनियाद पर मन में जो आए करवा ले. अगर लीगली तौर से देखे तो यकीनन फख्र की बात है. जो बड़ा पोस्ट पर है रिलेटिव वाले फख्र करते हैं. अब अंदाजा लगाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, अगर कलेक्टर आपके साथ हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एसपी आपके साथ हो वैल्यू बढ़ जाती है. फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या राय होगी? सिर्फ नबी साथ में नहीं है बल्कि नबी के तसद्दुक. कुरान की आयत बोलती है ला तहजन इन्नल्लाह माना, रब्बे कदीर अबू बकर के साथ में है, अल्लाह अबू बकर के साथ में है. इसी आयत से पता चला मईयत इलाही ने अबू बकर को रूए जमीन पर नबियों के बाद सबसे अफजल आला बना दिया. मईयत इलाही ने अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल आला बना दिया है. माय ब्रो, वाहिद कुरान में एक सहाबी है जिसको कुरान ने सहाबी कहा है. ये हमारे उलमा बयान करते हैं जुमा में. जो लोग जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं उन्हें ये बात समझ में आती है, और जो तकरीर के बाद में खुतबा के टाइम जाते हैं 50, 60, 70 साल भी जुमा की नमाज पढ़े वो जाहिल के जाहिल रह जाएंगे. क्योंकि मसाइल तो जुमा में इमाम साहब बयान करते हैं और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते. हम तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेते हैं. आपकी मस्जिद के इमाम साहब मेहनत करके हर जुमा नई तकरीर करते हैं. इसलिए जुमा में वक्त से पहले पहुंचेंगे, तकरीर सुनेंगे, धीरे धीरे मसाइल याद होंगे. एक जुमा में 3, दूसरे जुमा में 3, 3 × 6 महीने में 4 जुमा. 4 को 3 से इंटू करें, 4 × 4 = 12. इस तरीके से आप धीरे धीरे बुढ़ापे में हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाएंगे. हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन रूए जमीन पर सबसे अफजल, नबी के सदके में नबी के बाद. और सुने दोस्ती कितनी. क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है कि आप खाए और पेट दोस्त का भर जाए, पानी आप पियो प्यास दोस्त की बुझ जाए? बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652, ये इंटरनेशनल नंबर है. हदीस के दो नंबर होते, एक लोकल एक इंटरनेशनल. इंटरनेशनल हो या लोकल हो है नंबर दोनों बिदअत, लेकिन आसानी के लिए नंबरिंग की गई है. बुखारी शरीफ की हदीस में ये आया, हिजरत वाली रात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा एक शख्स आ रहा है, डर गए कि कहीं अबू जहल का जासूस तो नहीं है, सीआईडी वाला तो नहीं है. करीब आए तो देखा एक बकरी चरवाहा है, बकरी उसके पास में है. भाई 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 बकरी में दूध है क्या? बोले हाँ है ना. बोले दूहने के लिए दोगे? बोले देंगे. हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने हाथों से बर्तन को साफ करते, थन को साफ करते, उसके बाद दूध निकालते हैं, और निकालने के बाद बुखारी का जुमला है फकुलतो लहु इशरब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फशरीब हत्ता रदीतु. पूरे बुखारी में ये नहीं आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, जबकि प्यासे दोनों थे, भूखे दोनों थे, सफर में दोनों थे, हिजरत दोनों कर रहे थे. मगर बुखारी का ये जुमला, मैंने दूध दूहने के बाद कहा या रसूल अल्लाह इसे पीजिए, नबी ने पिया फशरीबा हत्ता रदी, तो पिया नबी ने, खुशी मुझे हासिल हो रही थी. पता ये चला पिया नबी ने, प्यास अबू बकर सिद्दीक की बुझ रही थी. अगर दोस्ती गहरी हो तो खाए दोस्त, भूख किसी और की मिटे, पिए दोस्त प्यास किसी और की मिटे. रुए जमीन पर इतनी गहरी दोस्ती सिवाय अबू बकर मुस्तफा के शम्सो कमर ने न देखा है और न देख सकता है. अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला और आगे चले सफर हिजरत. इस्लाम में नबी के पीछे चलना ये इस्लाम है, नबी के पीछे चलना दैट इज ट्रू इस्लाम. लेकिन हिजरत में सम टाइम अबू बकर सिद्दीक नबी के आगे भी हो जा रहे थे. नबी के आगे इतना सवाल हुआ, हजरत हजरत आप नबी के आगे कैसे?
हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अगर मुझे खतरा लगता कि खतरा दाएं से आ रहा है तो मैं नबी के दाएं हो जाता था, मुझे लगा खतरा बाएं से आ रहा है तो मैं नबी के बाएं हो जाता, मुझे लगता खतरा पीछे से आ रहा है नबी के पीछे हो जाता, और मुझे लगता कि खतरा सामने से आ रहा है तो अपने आप को नबी के आगे कर देता ताकि आने वाला सामने से तीर नेजा बर्छिया अबू कहाफा के बेटे की छाती पे रुकता है, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना हो, इसलिए मैं नबी के आगे हो जाता था। और आगे चले, शियाओं का कहना है कि हजरत अली अबू बकर के बाद बिलाव, अबू बकर से पहले ही नबी के बाद बिला वास्ता हजरत अली खलीफा, अबू बकर ने तो कब्जा कर लिया माजल्ला, गसब कर लिया। यह हदीस पढ़ने जा रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लाओ लिखने वाला कुछ लाओ, मैं खिलाफत नामजद कर देता हूं। लिखने वाला लाओ कुछ, कागज कलम फॉर एग्जाम्पल लाओ, मैं लिख देता हूं। फिर नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, रहने दो, अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के अलावा को पसंद ही नहीं फरमाएंगे। इससे क्या पता चला, हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की पसंद है, और साथ में मोमिनीन का लफ्ज आया। मोमिनीन का लफ्ज ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत का निजाम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है कि मोमिनीन की पसंद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। और आगे चले, यह हदीस बुखारी शरीफ 3659 है। एक औरत मसला पूछने के लिए आती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले का जवाब दे दीजिए। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगले साल आइएगा, शुड बी नोट एट दिस पॉइंट, अगले साल आइएगा। अगर हम में से कोई इंसान किसी मुफ्ती साहब को फोन लगाया, 9009019530, मुफ्ती साहब एक मसला है, मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने कहा बाद में बताऊंगा, साहिल सोचता आता जाता कुछ नहीं है इसलिए बहाना कर लिया उसने, बाद में बताऊंगा, पता नहीं है, ये जहन में रखे। जिसने ये कहा पता नहीं है मुफ्ती साहब को इसलिए कहा बाद में, तो वो वसवसे का शिकार है, वो जहालत का शिकार है, वो शैतानी फ्रेम में है, क्योंकि मुफ्ती साहब का ये कहना बाद में बताऊंगा प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून से कहा अगले साल आइएगा, खातून ये पूछती है या रसूलल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक से मिल लीजिएगा, अबू बकर सिद्दीक से। यहां से ये पता चला मेरे बाद खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है, और मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। जब ही तो नबी ने फरमाया मेरे बाद इनसे मिल लीजिएगा। और आगे चले, अल्लामा होने की सबसे बड़ी दलील देने जा रहा हूं, यह है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654। खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व قال ان الله خير عبد بين الدنيا وما بين عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى ابو بكر رضي الله تعالى عنه। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, तकरीर के पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान, तो उस बंदे ने दुनिया को कबूल, उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे, तकरीर सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बंदे के बारे में बात की है मगर आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं आम बंदे के बारे में नबी ने नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है। ज़ालिकल अब्द से खुद नबी मुराद है, और इसी से यह पता चल रहा है कि नबी इंतकाल करने वाले हैं, नबी इंतकाल करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, नबी के इंतकाल की खबर इस हदीस से अबू बकर सिद्दीक ने इस्तिदलाल कर लिया। यह इस बात की दलील है कि तमाम सहाबा में किसी को नहीं पता चला कि नबी
नबी कब इंतकाल करेंगे, मगर अबू बकर सिद्दीक समझ गए। यही इस बात की दलील है, तमाम सहाबा में अगर सबसे बड़े कोई आलिम गैब है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम गैब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाजा आप इससे भी लगाएं। जामिया रजविया अल्लामा असनाद साहब ने ऐलान किया, भाई साहब मैं बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, डबल तामीर करने जा रहा हूं, आप लोग चंदा दीजिए। एक ने दिया आज 100 रुपया, दूसरे ने दूसरे दिन 500, तीसरे ने तीसरे दिन 1000, चौथे ने चौथे दिन 4000, पांचवे ने पांचवे दिन 5000। आप लोग बताइए वो 100 रुपया ज्यादा है या पांचवे दिन जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? अकोश्य। जिसने 100 रुपया उसी दिन दे दिया वो ज्यादा है या 5 दिन के बाद जिसने 5000 दिया वो ज्यादा है? एक साहब उंगली का इशारा कर रहे कि 100 रुपया ज्यादा है। कॉमन सेंस में ये आएगा कि 5000 तो 5000 है, 4999 ज्यादा हुआ, 4900 रुपया ज्यादा हुआ, तो ये 100 रुपया कैसे ज्यादा हो सकता है? मगर एक साहब ने उंगली से इशारा करके फर्जे किफाया अदा कर दिया। हकीकत यही है, वो 100 रुपया ही ज्यादा है, क्योंकि उस 100 रुपया देने वाले ने माहौल बनाया और उनका देखा देखी दूसरे ने 200, 500, 1000, 4000, 5 दिन के बाद 5000 दिया। जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं हुआ, बल्कि जितने लोगों ने बाद में दिया वो सब उनके खाते में भी जाएगा। गोया पांचवे दिन में 5000 देने वाला उस पहले दिन में जिसने 100 रुपया दिया उसका 100 नहीं 5100 हो गया, क्योंकि खैर जिसने भलाई का रास्ता बताया वो चलने वाले की तरह है। अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल आला है कि उमर झुठला रहे थे नबी को, कहा उमर झुठला रहे थे, उस्मान झुठला रहे थे, खालिद बिन वलीद झुठला रहे थे, सब सहाबा झुठला रहे थे, अबू बकर सिद्दीक नबी की तस्दीक कर रहे थे। अब इस बात को समझ लिया आपने तो सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं बाद में जिसने उहुद पहाड़ के बराबर सोना दिया मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने माहौल बनाया है। यही वजह है कि तमाम सहाबा के अमाल को तराजू के एक पल्ले में डाल दे, अबू बकर सिद्दीक के एक अमल को तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, अबू बकर सिद्दीक का एक अमल सिर्फ सहाबा नहीं कयामत तक के इंसानों के अमाल पे भारी नजर आएगा। अद्दाल अला खैर कफाइलिह, इसलिए मेरे भाई देखा देखी काम ना करे। इस्लाम माहौल में नहीं चलता, इस्लाम अपना माहौल खुद बनाता है, अपना माहौल खुद बनाता है। शिया का कभी भी अपना स्टैंडर्ड नहीं रहा। आप लोगों ने यह सुना है इंडिया में दीने इलाही लंच हुआ था, ये शिया की देन थी। अबुल हसन फैजी ईरान से आके अकबर को मशवरा दिया कि आप तो खलीफतुल्लाह हैं, वही भी आती है आपके ऊपर। अच्छा मुझे पता ही नहीं चलता कब आती, बोले आप सोते रहते तब वही आती। बोले कुछ आई क्या? बोले आज तो आई थी ना, अय्युहल बशर ला तज़बहुल बकर फइन तज़बहुल बकर फमावाकुम सकर। आज वसीम रजवी है, राफजी शिया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से लेकर आज तक रनिंग गवर्नमेंट के साथ में चलना, अकीदा कुछ भी हो रनिंग गवर्नमेंट के साथ में चलना, ये इनका मिजाज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जो मसलक आला हजरत से निखर करके सामने आया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा में सबसे अफजल। आप खुद ही अंदाजा लगाए ना, नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें मस्जिद नबवी में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। गोया मस्जिद नबवी के नायब इमाम नबी की मौजूदगी में कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसी से पता चला अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ही हक पर है। इसलिए मेरे भाई अपने आप को उलमा के हवाले करें, कभी भी यूट्यूब ट्विटर फेसबुक और चैनल के जरिए दीन को ना सीखे।
العلم هذا العلم دين الدين انظروا عمن تاخذون دينكم आप दीन सीख रहे हैं तो गूगल ट्विटर फेसबुक और चैनल से नहीं। जाकिर नायक भी आके भोगता है। आहा कितनी अच्छी बातें की उसने, जिसने बोला ही हैज गॉन, गया वो काम से। मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर, अच्छा वो बेवकूफ है इंजीनियर, दरबा जैदुन की तरकीब ढंग से नहीं आती और बात इस्लाम की करता है और लोग धरले से फॉलोइंग बढ़ रही है उसकी। क्या अच्छी बातें करता, सुन्नियों का भी रद्द करता है, देवबंदियों का भी रद्द करता और नौजवान उसके फैन हो रहे हैं। जहन में ये रखे हमारा इस्लाम चैनल से नहीं चलता है। चैनल का मुजद्दिद वो ताहिरुल कादरी, हमारा मुजद्दिद आला हजरत रजी अल्लाह तआला ने। और इल्म, हमारा इल्म यूट्यूब के जरिए नहीं है, अल्लाह ने इल्म मुस्तफा को दिया, मुस्तफा ने अबू बकर उमर उस्मान और अली को दिया, उन्होंने इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को दिया, उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर को दिया, उन्होंने इमाम जाफर सादिक को दिया, उन्होंने इमाम मूसा काजिम को दिया, उन्होंने इमाम अली रजा को दिया, उन्होंने मारूफ करखी को दिया, उन्होंने अहमद सिर्री सकती को दिया, उन्होंने जुनैद बगदादी को दिया, उन्होंने अबू बकर शिबली को दिया, उन्होंने अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी को दिया, उन्होंने अबुल फरह तरकूसी को दिया, उन्होंने अबुल हसन अली करशी को दिया, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को दिया, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को दिया, उन्होंने सैयद अब्दुल रसाक को दिया, उन्होंने सैयद अबू साले नसर को दिया, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नसर को दिया, उन्होंने सैयद अली को दिया, उन्होंने सैयद हसन को दिया, उन्होंने सैयद मूसा को दिया, उन्होंने सैयद अहमद जिलानी को दिया, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को दिया, उन्होंने सैयद इब्राहिम हेरजी को दिया, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को दिया, उन्होंने काजी जियाउद्दीन को दिया, उन्होंने जमालुल औलिया को दिया, उन्होंने सैयद मोहम्मद को दिया, उन्होंने सैयद अहमद को दिया, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को दिया, उन्होंने शाबरकतुल्लाह को दिया, उन्होंने आले मोहम्मद को दिया, उन्होंने सैयद हमजा को दिया, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियां को दिया, उन्होंने आले रसूल अहमदी को दिया, उन्होंने अबुल हुसैन अहमदी नूरी को दिया, उन्होंने इमाम अहमद रजा खान को दिया, उन्होंने मुफ्ती आजम हिंद को दिया, उन्होंने ताजुश शरिया को दिया और ताजुश शरिया के जरिए हम सुन्नी हो दिया। हमारा इल्म सदरन बाद सदरीन चलता है, सीना सीना के जरिए चलता है। और YouTube पर कभी भी एडिटिंग की जाती है आपने सुना होगा, जाना होगा। इसलिए मेरे भाई अपने इस्लाम को पहचाने और उलमाए किराम से मुत्तसिल रहे, हमेशा अपने एरिया के काबिल सुन्नी उलमा के साथ में। दीन के एसपी कलेक्टर यही है, ये जहन में बैठा ले, दीन के एसपी कलेक्टर। क्या आपने कभी ये सुना कि किसी कलेक्टर ने ये कहा वजू में चार फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। किसी डीएम ने ये कहा हो कि गुस्ल में तीन फराइज है, कुल्ली करना, नाक अच्छे से साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। मर्दूद खुद पाक नहीं हो सकता है तो दूसरों को क्या पाक करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ, आज हमारी मस्जिद के इमाम वो पढ़ के बताते हैं और समझाते हैं। इसलिए एसपी कलेक्टर ये काबिले ताजीम नहीं है, दीन के उलमा ये डीएसपी कलेक्टर है दीन के। इन्हीं की वजह से सुन्नियत आज जिंदा है। इसलिए अपने आप को पहचाने और सुन्नियों के साथ में, सुन्नी उलमा के साथ में जुड़ के रहे, ये भी ध्यान में रखे। इंडिया का सिस्टम बदलता रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या नहीं बदल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हर हिंदुस्तानी को चार राइट्स हासिल है, राइट टू कंसंस। आखिरी बात बताने जा रहा हूं, दिल से जिसको चाहे भगवान और खुदा माने। इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है, चूहा कुत्ता बिल्ली छछुंदर, अगर आप कह दे कि छछुंदर हमारा माबूद है, हम पूजा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बोलेगा कि चूहा को मारना इल्लीगल है क्योंकि वो भगवान। किसी पेड़ को काटने के लिए जाए और लोग ये कह दे नहीं हम इसकी पूजा करते हैं तो आस्था की वजह से डिसीजन दे दी जाती है, अब इस पेड़ को नहीं काट सकते आप। इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है, राइट टू कंसंस, दिल से जिसको चाहे भगवान माने। राइट टू प्रोफेस, दावा भी करे आप,
दावा भी जुबान से जो चाहे करे कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे सोचे कोई पाबंदी नहीं। राइट टू प्रैक्टिस, नमाज पढ़े, रोजा रखे, पूजा करे, गरबा खेले, होली खेले, कोई पाबंदी नहीं। इंडिया है, भारत का संविधान बोलता है। राइट टू प्रोपगेशन, तबलीग का भी हक हासिल है हर शख्स को। जब इतने चार चार राइट्स हासिल है उसके बावजूद मुस्कान से ये क्यों कहा जा रहा है कि हिजाब उतारो, नकाब उतारो? आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं हो रहा था?